हाय एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए बैंगन की एक ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूँ ना, जो आपने शायद ही कभी ट्राई की होगी। ये है बैंगन आलू के पकौड़े, और एकदम डिफरेंट स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे, तो जिसके लिए पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच के करीब ना इसमें साबुत जीरा ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कूटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। तो यहाँ हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। अब इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ज़्यादा मसालों की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हल्का सा पका लेने के बाद ना इन्हें हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ 5 से 6 आलू ले लीजिए, जिन्हें बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। तो ये आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए। आलुओं को डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ मैं 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीज़ों को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए, झटपट से हमारी बहुत ही टेस्टी सी स्टफिंग बन करके तैयार है। अब इस तैयार की हुई आलू की स्टफिंग को हम एक दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं, और अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए ना हम इसे साइड पर रख देते हैं। अब एक बड़ी सी कटोरी में यहाँ मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच ही लाल मिर्ची का पाउडर। साथ ही में यहाँ मैं काला जीरा ऐड कर रही हूँ, ये भी 1/4 छोटा चम्मच है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 1/2 छोटा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए ना बेसन का एक घोल सा तैयार करेंगे। तो यहाँ जो बेसन का घोल हमें तैयार करना है, एकदम पतला या एकदम गाढ़ा नहीं बनाना है, मीडियम थिकनेस का रखना है, ताकि इसकी अच्छी सी कोटिंग हो पाए। तो ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इसी तरह का घोल हमें तैयार करना है। सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, और सोडा डालने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फैट लेंगे। तो ये हमारा घोल तैयार हो गया है। अब आखिरी काम जो हमें करना है वो है बैंगन की कटिंग। तो यहाँ मैंने लंबे साइज़ का बैंगन लिया है, ये देखिए इस तरह से पतला और लंबा बैंगन लेना है। इसके ऊपर और नीचे का पार्ट हम कट कर देंगे, और सेंटर से ये देखिए इस तरह से हम इसमें एक कट लगाएंगे। अब इसके हमें ना पतले पतले से इस तरह से स्ट्राइप्स निकालने हैं। ये देखिए, ज़्यादा मोटे स्ट्राइप्स नहीं निकालने हैं, बिल्कुल पतले पतले से छिलके निकालने हैं इस तरह से। अगर ये मोटे होंगे ना तो बैंड करते टाइम ये टूट सकती हैं, तो इसलिए पतले पतले हमें निकालने हैं। तो इसी तरह से सारे बैंगन को मैंने कट कर लिया है। अब आलू की स्टफिंग लेंगे और उसे इस तरह से हम ओवल शेप दे देंगे, ये देखिए इस तरह से। और इस आलू की स्टफिंग को हम अब बैंगन के सेंटर में इस तरह से रखेंगे और फोल्ड कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है, ये देखिए इस तरह से। और ये खुल ना जाए इसके लिए यहाँ पर एक टूथपिक लगा देते हैं, इससे ये सिक्योर हो जाएगा और खुलेगा नहीं। तो इसी तरह से सारे बैंगनों को तैयार कर लेंगे। अब इसे हम सबसे पहले जो हमने बेसन का घोल तैयार किया था उसमें अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। एक्स्ट्रा घोल को हम कटोरी में ही निकाल लेते हैं, और गरम तेल में हम इसे डालते जाएंगे। तो तेल यहाँ हमें थोड़ा सा गरम रखना है, और मीडियम फ्लेम रखते हुए ही इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए, एक बार में कढ़ाई में जितनी आप आएंगे हम उतने ही ऐड करेंगे, और इसी तरह से उलट पलट करते हुए हम इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। आलू की जो स्टफिंग हमने बनाई थी वो तो ऑलरेडी कुक्ड है, बस हमें बैंगनों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो ये देखिए, मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, और बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्बिंग नहीं है। तो ये देखिए, बैंगनों का एकदम नया सा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर से करिएगा। रेसिपी आपको अगर पसंद आएगी तो आप इसे एक लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए, अंदर से भी कितना बढ़िया पका है ये। आप इसे चटनी सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।